पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। राजभवन में हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री व कई गणमान्य मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि देवभूमि में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में चलाए गए कार्यों व योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के साथ टीबी उन्मूलन के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि वह हवाई यात्रा के बजाय सड़क से सफर करने को तरजीह देंगे ताकि लोगों की समस्याएं जान सकें। क्या बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सुनिए। आज इस देवभूमि में आया हूं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप लोगों से सीखने को मुझे मिलेगा। मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भेजा है यहाँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं जिसके बाद आया हूँ, जिनका उत्तराधिकारी बना हूँ, उनके पहले के जो गवर्नर्स थे, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि उनके द्वारा चलाए गए किसी कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूं। और इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर समय देते हुए और कार्य करते हुए उसे पूरा करने का काम करें। राज्यसभा में रहा करता था तो मैंने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दो प्रांतों के लिए सदस्य कुछ चर्चा भी करते थे ड्रग एडिक्ट्स का, उसमें निश्चित ही सबसे पहले तो मुझे प्रशासनिक तौर पर वो लोग अपना काम करेंगे, सबसे पहले आपकी मदद की आवश्यकता मुझे होगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अगर समय समय पर उन लोगों को एजुकेट किया गया, हम चाहेंगे कि हमारे अधिकारी लोग जगह जगह जहां आवश्यकता पड़ती हो वहां मैं भी जाऊं और मीडिया के लोगों को भी बुला रहे हैं, तो इस प्रकार उस पर काम करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना टीबी उन्मूलन की है, क्षय रोग का, तो इस संचारी रोग के संदर्भ में मेरा प्रयास ये होगा कि उसको भी हिमाचल से पूरी तौर पर भगाया जाए। और पीएम साहब की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है स्किल डेवलपमेंट की, स्किल डेवलपमेंट मेरे अपने नजरिए से हिमाचल के लिए इस नाते भी आवश्यक है कि अत्यंत पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अगर उधर स्किल डेवलपमेंट में लोग लगेंगे तो वो अपना आय भी बढ़ा सकते हैं, परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण भी कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। ये तीनों बातें हो सकती हैं।